तो भाई फाइनली आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हो चुका है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में हारने के बाद गुंथर से। और रैंडी ऑर्टन ने आते ही ब्लड लाइन के साथ पंगे भी ले लिए। तो इनके बीच एक्जैक्टली क्या कुछ हुआ आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर, आइए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे आए हैं चैनल पर, फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले, आई मीन वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो सबसे पहले हमें कुछ सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं बैक स्टेज से, जहाँ पर सबसे पहले तो भाई ब्लड लाइन ने पूरा तोड़ फोड़ दिया था स्ट्रीट प्रॉफिट को, ताकि वो सोलो सिको एंड केविन ओवेंस के मैच के बीच इंटरफेरेंस ना कर सके। देन उसके बाद भाई निक ऑल्डर्स का सेगमेंट आता है, जहाँ पर वो बोलते हैं ब्लड लाइन को कि आज सोलो सिको वर्सेस केविन ओवेंस के मैच के दौरान जो ब्लड लाइन है टामा टोंगा एंड टोंगा लोआ जो है वो बैन होंगे रिंग साइड से। और इसके बाद भाई सोलो सिको ने पॉल हेमन को बोला कि अगर मैं हारा इस मैच के अंदर तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ने वाला हूँ। इसके बाद तो इसके बाद आज के शो का जो मेन इवेंट था वो था केविन ओवेंस वर्सेस सोलो सिकुआ का मैच। तो यहाँ पर जो केविन ओवेंस है भाई वो स्टोन कोल्ड वाली मर्च पहन कर आए थे, जो कि काफी ज्यादा औसम लग रही थी। और जैसे ही भाई केविन ओवेंस रिंग के अंदर है, सीधा इस मैच की स्टार्टिंग होगी, इनके बीच में बवाल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर केविन ओवेंस ने काफी ज्यादा डोमिनेट किया था इस मैच को। बैक टू बैक हमें सुपर किक भी देखने को मिलती है केविन ओवेंस एंड सोलो सिकुआ की ओर से। देन यहाँ पर स्प्लैश चढ़ते हैं केविन ओवेंस, लेकर सोलो सिकुआ किक आउट कर देते हैं। और उसके बाद भाई लिटरली यहाँ पर सोलो सिको ने दो दो स्पिनिंग सोलो भी जड़े, जिसके ऊपर केविन ओवेंस ने किक आउट कर दिया था। और इस मैच में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, जब केविन ओवेंस ने स्टनर मारा, तीन काउंट होने ही वाला था, तो यहाँ पर जो पॉल हेमन है उन्होंने रोप ब्रेक करवा दिया था सोलो सिकुआ के पैर से। और इसके बाद भाई केविन ओवेंस पूरा चढ़ जाते हैं पॉल हेमन के ऊपर रिंग साइड पर जाकर। तो तभी यहाँ पर जो सोलो सिकुआ है वो स्मॉल स्पाइक जड़ते हैं केविन ओवेंस को, और फिर रिंग के बीच ले जाकर एक बार फिर से स्मॉल स्पाइक लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री हो जाती है सोलो सिकुआ की। देन यहाँ पर ब्लड लाइन के मेंबर्स भी आ जाते हैं, वो बजाने लग जाते हैं केविन ओवेंस को रिंग साइड पर। शील्ड वाला पावर बम जड़ने जाते हैं, तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिटर्न देखने को मिलता है हमें, जो कि था द वाइपर द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन का। तो फाइनली रैंडी ऑर्टन जो है वो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के बाद से रिटर्न आ चुके हैं आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर। तो रैंडी ऑर्टन ने आकर सबसे पहले तो टामा टोंगा एंड फिर टोंगा लोआ को ठिकाने लगाया। देन उसके बाद भाई हमें सोलो सिकुआ के ऊपर विंटेज डीडीटी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो आरकेओ है वो पड़ जाती है टोंगा लोआ के ऊपर। एंड इस तरह से आज रैंडी ऑर्टन ने सेव कर लिया है केविन ओवेंस को ब्लड लाइन से। एंड इस तरह से आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की जो है वो एंडिंग होती है। तो भाई मुझे तो काफी ज्यादा बढ़िया लगा जो ब्लड लाइन एंड रैंडी ऑर्टन वाला सीन जो था आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। आप बताओ कि आपको कैसे लगा। बाकी कोडी रोड्स एंड एजेस स्टार्स के बीच आज के स्मैकडाउन पर क्या कुछ हुआ आपको यहाँ पर वीडियो देख रही होगी स्क्रीन पर, यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड साथ ही साथ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना मेरी जान।